आज हम आपको गूगल इनपुट टूल के बारे में बताने वाले हैं और इसको कैसे यूज करते हैं। इसके लिए आपको एंटर करिएगा जब, तो आपको फैसिलिटी मिलेगी योर वर्ड्स योर लैंग्वेज एनीवेयर। ट्राई इट करिएगा तो आपके पास एक बोर्ड आ जाएगा और वर्चुअल कीबोर्ड आ जाएगा। आप यहाँ पर जिस लैंग्वेज में लिखना चाहिए लिख सकते हैं। अब इसी को हम मान लीजिए हिंदी में लिखना चाहते हैं, तो हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आप लिखिएगा तो हिंदी आ जाएगा। इसी को हम डिफरेंट लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको मलयालम में लिखना चाहते हैं तो हम मलयालम में लिख लेंगे। इसी को हम चाहते हैं कि बंगला में लिखते हैं तो बंगला में लिख जाएगा। तो इस तरह से आप इनपुट टूल यूज करके उसी भी लैंग्वेज में अपनी इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। इसको आप क्रोम पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करिए, हमने इसको इंस्टॉल किया है। आप अब क्रोम में एक्सटेंशन जैसा गूगल इनपुट टूल, तो यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर, और इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप गूगल टूल में जा करके उसको पढ़िए और उसका यूज़ करिए। इसके अलावा हाउ टू यूज़ ट्रांसलिट्रेशन, हाउ टू यूज़ इनपुट मेथड, हाउ टू यूज़ वर्चुअल कीबोर्ड, हाउ टू यूज़ हैंडराइटिंग। व्हेन यू हैव अ गूगल अकाउंट देन यू कैन यूज़ ऑल दीज फोर फैसिलिटी इन योर टूल्स एंड यू कैन वर्क ऑन दैट। तो इनपुट टूल मेथड हमने आपको बता दिया, ट्रांसलेशन अलग उसमें बता देंगे, और वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है, जब आपका कीबोर्ड स्क्रीन पे दिखता है तो उसको हम वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं। और हैंड राइटिंग वाला जो है उसके लिए अकाउंट होना ज़रूरी है। जब आपका अकाउंट होगा तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ ये दिखा दिया है उसमें, उसको आप यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से चार फैसिलिटी हैं ऑनलाइन इनपुट टूल में, जिसको वन बाय वन हम छोटे छोटे वीडियोस में आपको समझा देंगे। आज आपको इनपुट मेथड बताया और सेकंड हम ट्रांसलेशन बता देंगे। वर्चुअल की बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो बस कीबोर्ड आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, और हैंड राइटिंग कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए आपको लैंग्वेज सेटिंग करनी पड़ेगी, तब आप उसको यूज़ कर पाइएगा। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज़ ऑल टुडे। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।